नमस्कार, द समाचार भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। बरौनी नगर के व्यवसायी जयकृष्ण लोहारका की हत्या के विरोध में निकला शांतिपूर्ण कैंडल मार्च। बरौनी नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य मार्ग राजेंद्र रोड में बीते शुक्रवार की शाम इलेक्ट्रिकल्स दुकान के मालिक जयकृष्ण लोहारका को सरेआम अपराधियों ने शाम के समय उनकी दुकान पर गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। घटनास्थल से फुलवड़िया थाना की दूरी महज 500 मीटर होगी। सीसीटीवी फुटेज के होते हुए भी 5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी न होना पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह तो लगाता ही है, इसके साथ साथ पुलिस अपराधी के बीच गठजोड़ की ओर भी इशारा करता है। भय के माहौल में जी रहे बरौनी नगर के व्यवसायियों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों एवं स्थानीय लोगों ने मिलकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जो बरौनी नगर परिषद के विभिन्न प्रमुख मार्गों बाटिका चौक, रेलवे मार्केट, दीनदयाल रोड, फुलवड़िया बाजार, आलू चट्टी, मिर्चैया चौक से होते हुए पुनः राजेंद्र रोड पर सभा में तब्दील हो गई। इस अवसर पर शांतिपूर्ण मार्च में सैकड़ों लोग शामिल होकर शांतिपूर्ण तरीके से निकम्मी पुलिस के विरोध में कैंडल मार्च के माध्यम से अपना विरोध प्रकट किया। मौके पर आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश गुप्ता, कॉमरेड बाबू साहेब मिश्र, डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल, मेयर पूर्व मेयर प्रत्याशी संजय कुमार, भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि राजू मिश्र सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आइए जानते हैं विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने क्या कहा। वालों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, इसी के हम लोग विरोध में ये विशाल जुलूस, कैंडल जुलूस निकाले। निकाला गया है और हम लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की अभिलंब बार बार इस तरह की घटना हो रही है। यह बहुत दुखद घटना है, जिसकी शादी होती 10 दिन के बाद उसकी हत्या होती है। दो दो भाई का हत्या कर दिया गया एक परिवार में, अब उस घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं। आप सोच सकते हैं उस माँ पर क्या बीतता है। इसलिए हम लोग शासन से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करो। सीसी कैमरा लगा हुआ है उस दुकान में, उसके माध्यम से अपराधी को पकड़ लें और सीबीआई से हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो माफिया लोग इस तरह से दंडता कर रहे हैं और नंगा नाच कर रहे हैं। वो माफिया तमाम के लोगों पर नियंत्रण होना चाहिए और उसको पकड़ करके इंक्वायरी करें। जी सर, दो सौ कहिए क्या मांग करते हैं इसके माध्यम से। अपराधियों के द्वारा लगातार जो हमारे दुकानदारों पर हमला हो रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज मौन जुलूस यहाँ से निकाला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए और ऐसे अपराधियों को पकड़ करके जेल के अंदर बंद किया जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी मांग को लेकर के हम आज प्रशासन के खिलाफ में यह आंदोलन शुरू कर रहे हैं।